देखिए हम पढ़ने वाले क्या पाइस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो पाइस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, तो देखिए इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी होता है, वो 2 मार्क्स में पूछ सकता है, या फिर पाइस वाइज कंटिन्यूअस जो है वो उसका डिफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो पाइस वाइज कंटिन्यूअस मीन्स होता है कि एफ ओ पैक्स को एक फंक्शन है, ठीक। तो एफ ओ पैक्स को एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है किस इंटरवल में, एक आई है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे, ठीक। और इस आई में ए कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है आई में, देखिए स्मॉल ए है जो बिलोंग कर रहा है आई में, देन तो हमारा जो फंक्शन बनेगा ना, तो वो फंक्शन एफ ऑफ ए, और हम लिख सकते हैं प्लस जीरो, एंड फिर क्या कि एफ ऑफ ए माइनस जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एग्जिस्ट करेगा, और इसका जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस को क्या कहलाता है, दोनों एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट, एंड क्या होगा, अनइक्वल होगा, मीन्स इक्वल नहीं देगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हमारा एलिमेंट रहेगा ये, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। अगर ये दोनों का हम निकाल दें डिफरेंस, मीन्स माइनस कर दें इसमें इसको, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस निकालेंगे ना, इसे बोलते हैं हम जम्स, जम्स बोलेंगे, ठीक, डिफरेंस को जम्स बोलेंगे। और क्या होता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ जम्स इज कॉल्ड पाइस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ जम्स, फाइनाइट नंबर ऑफ जम्स, तो इस जम्स को ही जम्स फाइनाइट नंबर में होना चाहिए, तो उसी को हम बोलेंगे क्या कि हमारा पाइस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका प्रॉपर डिफिनेशन लिखते हैं, देखें क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स क्या है, बी ओ गिवन फंक्शन, बी ओ गिवन फंक्शन डिफाइन ऑन, किस पे डिफाइन है, डिफाइन ओवर द इंटरवल, जो कि हमारा इंटरवल आई, यहां से आई बिलोंग्स टू आर पे रियल नंबर पे, एंड लेट ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग किस में कर रहा है, आई में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इफ क्या होगा कि एफ ऑफ ए प्लस जीरो एंड एफ ऑफ ए माइनस जीरो, ये क्या करेगा, बोथ एग्जिस्ट करेगा लेकिन आर अनइक्वल रहता है, ठीक है। तो बोथ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एंड अनइक्वल, अनइक्वल, देन क्या होगा, देन देयर डिफरेंस, डिफरेंस एफ ऑफ ए माइनस जीरो, माइनस देखिए एफ ऑफ ए माइनस जीरो बोलते हैं, प्लस जीरो पहले आएगा फिर यहाँ पे माइनस जीरो आएगा, ये जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, जंप बोलते हैं, इज कॉल्ड जंप, जंप, ठीक है, इन द फंक्शन at the point x equal to a, ठीक। तो ये फंक्शन जो हमारा रहेगा, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ जम्प्स कंटेन करेगा तो हम बोल सकते हैं पाइस वाइज कंटिन्यूअस, तो लिखेंगे अ फंक्शन, फंक्शन हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ जम्प्स फाइनाइट नंबर ऑफ जम्प्स इन द गिवन इंटरवल में, कॉल्ड द पाइस वाइज, पाइस वाइज, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, और इसी को बोलते क्या कि सेक्शनली कंटिन्यूअस, ठीक है, सेक्शन में डिवाइड है तो सेक्शनली कंटिन्यूअस, सेक्शनली कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और इसी का एक थ्योरम होता है जो कि 2 मार्क्स में ही पूछता है, उसको 10 मार्क्स में तो पूछने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो भी थ्योरम जो है ना, तो वो ये डिफिनेशन से भी छोटा थ्योरम है, ठीक है। तो देखिए ये डिफिनेशन पूरा लिख लिए कंप्लीट, देन देखिए इसका थ्योरम लिखेंगे।
का थ्योरम अब पाइस वाइज कंटिन्यूस ओवर किस में रहेगा, ए बी इंटरवल में। ठीक, तो डिफाइन ऑन ए बी इस क्या हो जाएगा, आर इंटीग्रेबल रहेगा, आर इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पाइस वाइज कंटिन्यूस ओवर ए बी में है और डिफाइन है ए बी में ही। ठीक है, तो ए बी इंटरवल में डिफाइन रहेगा, दिस इज जो हम बोल सकते हैं क्या कि वो आर इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो आर इंटीग्रेबल किस तरीके से होगा, तो देखिए इसका प्रूफ। ठीक, प्रूफ क्या होता है कि सिंस एफ ऑफ एक्स जो है इज पाइस वाइज कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस ओवर ए बी, ए बी जो हमारा इंटरवल है इस पे क्या है कि पाइस वाइज कंटिन्यूअस है। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ जंक्शन, जब हम मान लेते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है पाइस वाइज कंटिन्यूअस है, जैसे कि अभी जस्ट डिफिनेशन देखे। ठीक है, तो पाइस वाइज कंटिन्यूअस रहेगा मीन्स क्या होगा कि फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स रहेगा, तो फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स रहता है तभी तो पाइस वाइज कंटिन्यूअस बनता है, तभी तो हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज पाइस वाइज कंटिन्यूअस हुआ मीन्स ओवर ए बी पे, तो देयर आर क्या होगा कि फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स। ठीक है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स होगा किस में, इन ए बी इंटरवल, इस इंटरवल में। ठीक है, ए बी में, तो इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स हम बोल सकते हैं, इट मीन्स दैट द नंबर, दैट द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसजॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स नंबर ऑफ पॉइंट सॉरी डिसजॉइंट नहीं मतलब डिसकंटिन्यूअस, मतलब क्या होता है कि इसमें इंटरवल्स आएंगे ना, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर ए बी इज फाइनाइट, हेंस हम बोल सकते हैं क्या कि एफ आर ए बी मीन्स ये हमारा इंटीग्रेबल हो गया, ये हमारा थ्योरम हो गया। ठीक है, देखिए क्या है कि सिंस एफ ऑफ एक्स अगर हम मान लेते हैं कि पाइस वाइज कंटिन्यूस ओवर ए बी पे है, जैसे कि हमारा दिया हुआ है, तो हमें दिखाना क्या है कि आर इंटीग्रेबल होगा। ठीक, तो देखिए क्या कि पाइस वाइज कंटिन्यूस ए बी में रहेगा मीन्स क्या कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ जम्प्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ जम्प्स होता ही है तभी होता है हमारा पाइस वाइज कंटिन्यूस, तो पाइस वाइज कंटिन्यूअस मीन्स हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स, देन इट मीन्स क्या होगा कि द नंबर ऑफ पॉइंट जो हमारा रहेगा वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा, देन सेक्शनली डिवाइज रहता है, तो डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर ए बी इज क्या है कि फाइनाइट है, तो फाइनाइट नंबर तो है ही, तो फाइनाइट हो गया, तो हेंस हम बोल सकते हैं कि एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल है। ठीक है, ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया, बस चार लाइन में थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टू मार्क्स में ये थ्योरम आ सकता है। ठीक, अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं सेमेस्टर फोर का, ठीक है, पेपर 8, 9, 10, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, 3201 देखिए, इसमें कॉल कीजिए और फिर कांटेक्ट कीजिए और जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है।